शेमारू के नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। सर, आपसे पंडित जी मिलने आए हैं। गुड मॉर्निंग पंडित जी। मॉर्निंग। आप तो शादी करवा के 10 बजे आने वाले थे, आइए। मैं तो शादी के मंडप तक पहुंचने के पहले ही लौट आए, क्योंकि मुझे वहाँ प्रेम विवाह के लिए नहीं, व्यवस्था विवाह के लिए बुलाया था, अरेंज मैरिज। और आप तो जानते हैं, मैं ठहरा प्रेम पुजारी जी। मैं सिर्फ प्रेम विवाह करवाता हूँ, onlylovemarriage.com। आपकी जिंदगी की हर अदा रंगीन और बेमिसाल है। थैंक यू। आइए बैठिए। कमाल के आदमी हैं आप। मंडे टू सैटरडे कॉलेज प्रिंसिपल बनते हैं और संडे को पंडित आई। अभी देखो, एक से घर चल जाता है और दूसरे से परंपरा भी निभा लेता हूँ। अच्छा, मुझे कैसे याद किया? पंडित, तुम तो जानते ही हो कि मेरी धर्मपत्नी के स्वर्गवास होने के बाद मैंने अपनी दोनों बेटियों को एजुकेशन के लिए बोर्डिंग स्कूल में भेजा था। अब मैंने उन दोनों को वापस बुला लिया है और मैं चाहता हूँ कि मेरी बड़ी बेटी आयशा तुम्हारे ही कॉलेज में दाखिल हो। वंडरफुल, आप कल ही आयशा बेटी को मेरी कॉलेज में भेज दीजिए। अरे वर्मा साहब, वर्मा साहब, अरे आप आयशा की चिंता मत कीजिए,
अरे हम है ना चोपड़ा साहब, आइए आइए। कैसे हैं आप वर्मा साहब? गुड। ये हमारे सुपुत्र रमन है, आप वर्मा साहब? नमस्ते जी। नमस्ते बेटे। अरे पैरी पे, पैरी पे, पैरी पे अंकल। अभी अभी विलायत से MBA करके आया है। ब्रिलियंट, वेल डन। थैंक यू अंकल, वेरी वेल डन। पंडित जी, ये चोपड़ा साहब है, मेरे नए बिजनेस पार्टनर। नमस्ते, नमस्ते, नाइस मीटिंग। नमस्ते, बैठिए प्लीज। अरे वर्मा साहब, बच्चियां कहां है? गुड डे पापा। मिनी, अरे अकेली क्यों आई हो? आयशा को जाके बोलो कि प्रिंसिपल अंकल आए हैं। वाओ दीदी, कॉलेज जॉइन करेगी? हाउ लकी। दीदी जल्दी बाहर आओ, आपके लिए गुड न्यूज है। ये छोटी बेटी मिनी। हाँ, मिनी। आयशा, पर पापा नॉट फेयर, मुझे भी कॉलेज ज्वाइन करना है क्योंकि मैं स्कूल में सारी लड़कियां ही हैं। वही वाह, क्योंकि तुम अभी छोटी हो। पर मेरा नंबर कब आएगा? आएगा बेटी, आएगा जब तुम बड़ी हो जाओगी। पापा आपने याद किया? आओ आयशा, सबसे पहले मिलो रमन को, चोपड़ा साहब के बेटे। हेलो बेटा। और ये है प्रिंसिपल। नमस्ते। नमस्ते बेटी। कल से तुम इन्हीं के कॉलेज में जाओगी। प्लीज पापा। आयशा बेटी, कोई फिकर मत करो, nowvery.com। मैं कहता हूँ तुमको बहुत मजा आएगा, यू विल रियली एंजॉय योरसेल्फ। आई प्रॉमिस यू, सिटी कॉलेज शहर का बेस्ट कॉलेज है। बेटी आओ, मैं तुम्हें पूरा कॉलेज दिखाता हूँ। ये हमारे कॉलेज का कैंपस है, मानो जैसे विद्या का आश्रम। लेक्चर खत्म हो जाने के बाद भी बच्चे एक दूसरे के साथ पढ़ते ही रहते। देखो ये दोनों कैसे दिल लगा के एक दूसरे के साथ पढ़ रहे हैं। That's the spirit of this college boys। बेटी ये है हमारे कॉलेज का क्रिएटिव आर्ट सेक्शन, यहाँ तुम्हें एक से एक टैलेंटेड क्रिएटिव आर्टिस्ट मिलेंगे। ये देखो, isn't it beautiful? आहा, कितना बढ़िया है ये। Fantastic, isn't it? ए शर्म, ये क्या है? What is this? ये क्या बेहुदा तस्वीर बनाई है तुमने? सर आप गलत समझ रहे हैं सर। मैं? अभी तो कपड़े पहनाने बाकी है सर। कपड़े पहनाना बाकी है, राइट राइट राइट। जब पहना दो तो मुझे जरूर बुलाना। ओके सर। क्रिएटिविटी टेक्स टाइम, लेट हिम टेक हिज ओन टाइम, कम। और ये है हमारे कॉलेज का उपहार गृह। उपहार गृह मतलब कैंटीन। अच्छा। इस वक्त तो सारे स्टूडेंट क्लासरूम में लेक्चर अटेंड कर रहे होंगे, दे आर ऑल वेरी स्टूडियस। जी। बिल्कुल खाली होगा। हाँ। फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम कैंटीन को एक नजर देख लो। क्या? 840। अच्छा। टोटल स्टूडेंट्स 840 हैं। 420 यहाँ हैं, 420 क्लासरूम में पढ़ रहे होंगे। अंकल जी मैं एक बात बोलूं? बोलो। आप बहुत स्वीट हो। क्यों भाई? सब कुछ जानकर भी अनजान बने रहते हो। देखो बेटी, अनजान रहना पड़ता है जी, क्योंकि यही तो उम्र है मौज मस्ती की, यू नो, टू हैव फन, टू लव। अब अगर तुम्हारी उम्र में ये सब नहीं करेंगे तो क्या हमारी उम्र में करेंगे? हाय मिनी। हाय दीदी। दीदी जल्दी मुझे पहले बताओ, कॉलेज का पहला दिन कैसा रहा? फैंटास्टिक। लेकिन ये बताओ कॉलेज कैसा है? कॉलेज, अभी मैं कॉलेज के बारे में क्या बताऊँ? कैंटीन है, बहुत सुंदर कैंपस है, गार्डन्स है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। दीदी आपके कॉलेज में कोई बॉयज नहीं पढ़ते हैं क्या? ऑफ कोर्स पढ़ते हैं, क्यों? तो मुझे उनके बारे में बताओ ना। पगली। आयशा बेटी, ये कॉलेज ज्वाइन करने का फैसला करके तुमने बहुत अच्छा किया। जी अंकल। तुम्हारे पापा बहुत खुश होंगे। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़ी और मैं कॉलेज में नहीं रहा तो तुम सीधे आर्यंस को कांटेक्ट कर सकती हो। अंकल मैं एक बात पूछूं? हाँ पूछो। ये आर्यंस कौन है? आर्यंस विकी, कॉलेज का किशन कन्हैया।
सदा सदा बहार मस्त मौला। इजाज शायरी उसका शौक है। छोटू सबका दुलारा। और अजय अ फाइटर, आर्यंस की बुनियाद। ये पांचों जब अलग अलग हो ना तब तो आम स्टूडेंट्स की तरह है, लेकिन पांचों जब एकजुट हो जाते हैं तो ताकत बन जाते हैं। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यही उनका मोटो है, यही हमारे कॉलेज का मोटो है। आओ, वेरी इंटरेस्टिंग बॉयज। ये लड़कों में खास बात तो, अरे ये लो, ये है आर्यंस, ये आयशा हमारे कॉलेज की नई स्टूडेंट है। हाय हाय। लास्ट लेक्चर तो खत्म हो गया, अभी तक आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सर वो एनुअल डे की रिहर्सल चल रहे हैं, तो मिस पिंटो ने कहा कि जूनियर स्टूडेंट्स हैं टू टेक केयर ऑफ देम। जरूर जरूर, यू मस्ट टेक केयर ऑफ देम। प्रोसीड। थैंक यू सर। आराम से। बेटी बेटी हाँ? तुम भी अब इस कॉलेज की स्टूडेंट हो, मुझे लगता है कि तुम्हें भी इस कॉलेज के एनुअल फंक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। यू विल एंजॉय, थिंक अबाउट इट, ऑल द बेस्ट। अजय देख नई लड़की कॉलेज में, नहीं है ना ये? ओ पुरानी मॉडल निकल, संभल के भाई वरना गाने के बदले हॉस्पिटल पहुंच जाएगी। अरे यूं ही खड़ी खड़ी शक्ल क्या दिखा रही है? ए, कुछ गायकी भी के खड़े खड़े कांपती रहेगी। एक काम कर, तेरे को बकबक करने का बहुत शौक है ना, कुछ बोल ही दे, चल बोल बोल, या हंस ले, हंस, वहां बैठकर हंस रहा था ना, हंस, या फिर तुझे रोना आ रहा है? वहां बैठकर किसी का मजाक उड़ाना बहुत आसान है, समझा? अगर तू किसी को हौसला नहीं दे सकता तो उसका मजाक ना उड़ा, चल आउट आउट। अब आप रिहर्स करो, आपको कोई परेशान नहीं करेगा।
साला कॉलेज की सिक्योरिटी है ना, इसलिए कुछ कर नहीं सका मैं, नहीं तो। छोड़ यार, इनको फंसने दे, फिर देखेंगे। हाँ। छोड़ेंगे नहीं सालों को। चल चल। हाय अजय। हाय बॉबी, हाउ आर यू? आई एम हैप्पी एंड गे। गे गे तो समझा, बट व्हाई आर यू हैप्पी बॉबी डार्लिंग? क्योंकि रिहर्सल में अजय ने उन तुच्छे वॉरियर्स के चक्के छुड़ा दिए। बॉबी। यस टीना दीदी। तुम फिर लड़कों से बात कर रहे हो? आई एम सॉरी टीना दीदी। हाय टीना। शट अप। चलो। अजीब लड़की है यार। विक्की अजीब नहीं है, अच्छी लड़की है। अबे तेरे कहने का मतलब क्या है? मैं बुरा हूँ? विक्की तू बुरा नहीं है, वो अच्छी है। चलना ए अभिनव। ए क्या विकी, तूने ही तो उसको धोखा दिया ना। बाहों में टीना, कमर में मीना, कांधों में लीना और सर पर हीना। यार तूने तो अपने अपने प्यार का एक जंबो सर्कस बना रखा है यार। अजय तू कहाँ जा रहा है यार? मैं जिम जा रहा हूँ। ठहरना यार। क्यों क्यों ठहरू? इस वनसंट बातें सुनने के लिए? तुम लोग यार पूरा दिन लड़कियों के बारे में बात करते रहते हो, तुम लोग बोर नहीं होते यार? और ये तो लगा ही रहता है टर 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 टर, और तुम लोग इसकी बातें सुनते रहते हो। हाँ मैं जिम जा रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ। एक्सक्यूज मी। हाय। हाय। तुम्हारा रिहर्सल कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, थैंक यू। नहीं नहीं, प्लीज डोंट मेंशन दैट। उसके बाद उन लोगों ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? नहीं, थैंक यू। तुम कॉलेज में नहीं हो राइट? लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े या फिर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हम आर्यंस को बता देना। थैंक यू। आई एम सॉरी कि सबके सामने मैंने स्टेज पे ऐसा बिहेव किया। वो वॉरियर्स ऐसे ही हैं, वो लड़कियों को छेड़ते हैं, उनसे बेफजूल बातें करते हैं। हाँ। लड़कियों के बारे में बात करना बुरी बात है, जब हम लड़कियों के बारे में बात करते हैं यह भी गलत बात है, और इनका लड़कियों से बात करना यह ठीक है। हाँ। ये ठीक है। तब से एक ही बात बोली जा रही और कोई बोर भी नहीं होता। हाँ? 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 मैं ये बोलता है टैटन करते हैं और खुद थैंक यू ऑलराइट, थैंक यू ऑलराइट। अबे साले अब जिम जाने के लिए देरी नहीं हो रही क्या? जा रहा हूँ ना। जा रहा हूँ ना। थैंक यू। हाय आर्यंस। तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम, मैं सब ठीक कर दूंगा। कम 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 कम। डार्लिंग दीज आर माय फ्रेंड्स आर्यंस एंड गाइस दिस इज। मैंने तुमसे तुम्हारा नाम नहीं पूछा यार। यार प्यार अंधा होता है ये तो सुना था, पर प्यार बहरा भी होता है ये आज पता चला मेरे को। अजय यार फ्लोचा के हिसाब से स्वीटी का नंबर 3 है यार, और इस बात से वो बहुत नर्वस है यार, तो मैंने उससे कहा कि मैं उसकी एंट्री लास्ट करवा दूंगा यार। सिंपल ना यार? नहीं। हा? देख विकी, लाइट की रिहर्सल हो चुकी है, साउंड चेक भी हो चुका है, फ्लो चार्ट के हिसाब से सारे प्रॉप्स भी आ चुके हैं। अब कोई भी चेंज बहुत बड़ा कन्फ्यूजन खड़ा कर देगा। स्वीटी, स्वीटी! जो भी तुम्हारा नाम है आई एम सॉरी, ये नहीं हो सकता। चलो यार बहुत काम है। अजय ने स्वीटी के सामने तेरे इज्जत की टूटी फ्रूटी कर दी यार। एक्सक्यूज मी। हाय। हाय। आपके कल के प्रोग्राम की तैयारी हो चुकी है? मैं उसी के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। क्या बात है? वो कल के प्रोग्राम के फ्लोचार्ट में मेरी एंट्री सेकंड है, क्या आप उसे लास्ट कर सकते हो?
No problem. No problem. Lights की rehearsal हो चुकी है. Yeah, no problem. Sound check हो चुका है. No problem. Flow chart के हिसाब से propolis की सारी तैयारी ready हो चुकी है. Hey, no problem. Show में कोई भी change confusion कर देगा बाबा. ये सब problem मेरा है. आपका काम हो जाएगा. Thanks. It's okay. Thanks. No, it's really okay. Thanks. अरे अरे यार, ये तो चालू हो गया. अरे यार, ये विकी कहाँ गया? गया होगा ट्वीटी की फील्डिंग करने. पागल. तूने पीना रोक क्यों दिया? वो आजान हो रही है ना यार. तू मुझे एक बात बता, अजान की आवाज़ सुनकर तूने पीना तो रोक दिया, लेकिन तू क्या समझता है कि वो अपने बंदों को सिर्फ अजान के वक्त देखता है? नहीं, उसकी नज़र हमेशा अपने बंदों पर रहती है. और अगर तेरे दिल में उसका इतना एहतराम है तो तू छोड़ क्यों नहीं देता? तू छोड़ना यार. तू छोड़ दे यार. रमन जी. अंकल, कल तुम और चोपड़ा साहब अपने आप को फ्री रखना. आयशा पहली बार किसी फंक्शन में हिस्सा ले रही है. That's wonderful. That's my आयशा. Yep. चलो. अजी को देख, अजी को देख. बहुत खुश है. इतने लोग देख के डर गए क्या? पता नहीं यार.